हेलो नमस्कार। इस वक्त हम करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको एनवायरमेंटल लॉ की थोड़ी सी बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। इस लेक्चर में हम कोई कानून डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन इस लेक्चर में हम ऐसे ज़रूर कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस अभी भी है। हम यहाँ पर कोई ख़ास एक्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा ग्राफिक है जिसमें हमने आपको नेचुरल एनवायरनमेंट का दूसरी चीजों के साथ रिलेशन बताने की कोशिश की है। देखिए, साइंस अपनी जगह है। साइंस में एक डार्विनियन थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करती है कि ह्यूमन और नेचर दोनों ही समय के साथ साथ चेंज होते चले जाते हैं। और फिर यहाँ हमारा कल्चर है और यहाँ हमारा एथिक्स है। एथिक्स के बारे में हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बिजनेस करने की पावर तो आपको है, बिजनेस करना जरूरी भी है, लेकिन क्या बिजनेस ऐसा हो जो बिल्कुल अनएथिकल हो, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स को अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाए। ये हम अगली स्लाइड्स में भी देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो हमारे सिलेबस का पहला हिस्सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? They say a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to fulfill their own needs. भाई साहब, आप फैक्ट्री लगाओ, माल बनाओ, धुआं उड़ाओ, लेकिन हवा को इतना गंदा मत कर दो कि फ्यूचर जनरेशन सांस लेने के लायक न रह जाए। आप फैक्ट्री बनाओ, केमिकल बनाओ, उसका गंदा पानी निकालो, और जाहिर है वो आप नदियों में बहाएंगे, लेकिन नदियों में आप ऐसा इफ्लुएंट ना बहा दीजिए कि वो नदी का पानी पीने के लायक न रह जाए। गंगा इतनी मैली हो जाए कि वो पाप धो ही ना पाए। आप ये पाप मत कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन रह सके और प्रेजेंट जनरेशन की जरूरतें भी पूरी होती रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस को एथिकल पॉलिसीज अपनानी पड़ती हैं। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, आपको अच्छी तरह मालूम है जो धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो जब आप पॉल्यूशन करते हैं वो उन रिसोर्सेज के साथ जाके मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज का क्षरण होता है, उन रिसोर्सेज की कमी होती है। तो उन रिसोर्सेज की कमी सिर्फ क्वालिटी में नहीं होती, क्वांटिटी में भी होती है, क्वालिटी में भी होती है, क्वांटिटी में भी होती है। अब आगे चलते हैं, पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन मींस व्हाट? जनरल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहां, एयर पॉल्यूशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, हर तरह का पॉल्यूशन इंक्लूड कर रहे हैं। पॉल्यूशन मींस व्हाट? अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड contamination of environment by the manufacture or use of commodities. सिंपल सी बात सोचिए कि हम घर में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी काटते हैं, तो कुछ चीजें हम बना के खाते हैं और कुछ चीजों को फेंकना पड़ता है। उसी कूड़े को आप कुछ दिन तक अपने घर में रख लीजिए, अपने फ्रिज में रख दीजिए,
आपकी जो फ्रिज में रखी हुई सही सब्जियां है ना वो भी खराब हो जाएंगी, कंटामिनेशन हो जाएगा। और जो हम पॉल्यूशन जनरल सेंस में समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि दिस इज अनडिजायरेबल। फैक्ट्री बनाओ, धुआं उड़ाओ, लेकिन इतना मत उड़ाओ कि आसपास का एनवायरनमेंट गंदा हो जाए, दिस इज नॉट डिजायरेबल। हाउएवर इन सम केसेस दिस में भी अनइंटेंडेड हो सकता है, कोई जानबूझ के पॉल्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे पॉल्यूशन को नुकसान पहुंच रहा है। तो दोनों चीजें हैं, अनडिजायरेबल तो ही है, अनइंटेंडेड भी है। बाई वॉट? बाई आइदर मैन्युफैक्चरिंग आर यूज आर कमोडिटीज। भाई सिंपल सी बात है, एक बाल्टी में साफ पानी ले लीजिए, आप उससे नहाइए, और उसी पानी को अगर दोबारा आप स्टोर करें तो क्या उस पानी से कोई और नहा सकता है? नहीं नहा सकता। इसका मतलब जब भी आप किसी रिसोर्स को यूज करते हैं तो उसकी या तो क्वालिटी में कमी आती है या तो क्वांटिटी में कमी आती है। अब देखिए, रिसोर्स यूज करना भी एक मजबूरी है, रिसोर्स को यूज करना भी एक मजबूरी है। तो एथिक्स क्या कहता है, पॉल्यूशन का एथिक्स क्या कहता है? आप यूज कीजिए, लेकिन इस तरह से यूज कीजिए कि आने वाली जनरेशन को परेशानी ना होने पाए। अब जरा आगे चलते हैं, व्हाट इज दिस रिसोर्स डिप्लीशन? दो बातें थी ना, पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूशन की वजह से रिसोर्स का डिप्लीशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ फाइनाइट और स्केयर्स रिसोर्सेज। यहां पे जरा सा ध्यान लगाइएगा, दुनिया में कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। मेरे ख्याल से सूर्य की रोशनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। इन अ सर्टेन सेंस पॉल्यूशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, बिकॉज कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर और लैंड diminishes their beneficial quality। ये important है, diminishes। diminishes का मतलब जो उनकी quality है वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, resource depletion का मतलब ये ही, या तो quality कमजोर हो या तो quantity कमजोर हो, या तो quality कमजोर हो या तो quantity कमजोर हो, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। अब जरा सा इसके आगे चलते हैं, स्पेसिफिक पे आते हैं, व्हाट इज दिस एयर पॉल्यूशन? इट मींस कंटामिनेशन ऑफ एयर। पहले आपने पॉल्यूशन की जनरल डेफिनेशन पढ़ ली, इट इज अनडिजायरेबल, अनइंटेंडेड कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जरा हम स्पेसिफिक पे आते हैं कि एयर पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इट मींस contamination of air by emission of harmful particles and gases by vehicles and industries। Air pollution has increased as industrialization expanded। अब देखिए, दो pollution को mainly यहाँ पे include किया गया है, vehicular pollution जो हमारे वाहनों से निकलता है, स्कूटर से, कार से, और गैसेज जो हमारी इंडस्ट्रीज से निकलती हैं। इन दोनों की वजह से, इन दोनों के निकलने की वजह से जो हमारी हवा है, शुद्ध हवा, उसका कंटेमिनेशन होता है, वो प्रदूषित तो होती होती है। अब देखिए, कहते हैं एमिशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स, इस पे जरा दिमाग लगाएगा। पार्टिकल का मतलब होता है कण। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कण कहाँ होते हैं? हमारी मोटरसाइकिल से तो धुआं निकलता है, हमारी कार से तो धुआं निकलता है। मैं आपको बताऊं, आप अपनी कार में जो पेट्रोल डालते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल इंजन में पहुंचता है और एक प्रक्रिया शुरू होती है कंबस्शन की। कंबस्शन का मतलब जलना होता है। अगर आपका पेट्रोल पूरी तरह से जल जाता है तो जो धुआं निकलता है वो सिर्फ धुआं होता है। लेकिन अगर आपका कार्बोरेटर गंदा है, आपका पेट्रोल सही क्वालिटी का नहीं है, तो फिर आपका पेट्रोल इंजन में पूरा कंबस्शन में नहीं जाता, जलता नहीं है, कुछ पोर्शन बच जाता है। और जो पोर्शन बच गया वो इंजन से रोटेट होके
पाइप के रास्ते बाहर निकलेगा, तो जो पेट्रोल बच जाता है वो कणों के रूप में बाहर निकलता है। मैं आपको बताऊं, किसी ट्रक के पीछे खड़े हो जाइए, ठीक है, जहां से उसका धुआं निकलता है वहां एक सफेद रंग का कपड़ा डाल दीजिए, अगर सिर्फ धुआं है तो कपड़े पर पीला निशान बनेगा, और अगर उस ट्रक का कार्बोरेटर गंदा है, जो कि ज्यादातर का होता ही है, तो कपड़े पर जहां पीला निशान बनेगा वहां आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिल जाएंगे। ये ब्लैक स्पॉट वही है पार्टिकल, जो डीजल पूरा जल नहीं पाया, वो पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकला, और ये जो पार्टिकल है ना, ये आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये अगर नाक के रास्ते आपके फेफड़ों में चले जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा पॉल्यूशन जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाए पार्टिकल्स के निकलने की वजह से, यही हाल इंडस्ट्री में रहता है। इंडस्ट्री में आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ को गलाया जा रहा है तो बॉयलर हाउस में गलाया जाता है। ये बॉयलर हाउस कोयले से ऑपरेट होता है, डीजल से ऑपरेट होता है, तो जैसे जनरेटर में आप कुछ डीजल जला के छोड़ देते हैं तो जब वो बाहर निकलता है तो जाहिर है उसमें से कुछ कण निकलते हैं, वही हाल बॉयलर हाउसेस का भी है। ये सैकड़ों लीटर डीजल यूज करते हैं, सैकड़ों टन कोयला यूज करते हैं, तो जब इनसे धुआं बाहर निकलता है तो जाहिर है कुछ पार्टिकल्स को लेके निकलता है। धुआं तो एकदम आसमान में ऊपर तक उड़ जाता है, लेकिन ये पार्टिकल ही हैं जो हवा पे जमे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, दिवाली में आप पटाखे जलाते हैं तो जो आपको कहा जाता है ना स्मोग है, स्मोग उन्हीं कणों का समूह होता है, वही पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि धुआं तो हवा से हल्का है, वो तो ऊपर ही उठेगा और वो ऊपर चला जाएगा, वो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर के पार चला जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो पार नहीं जा पाते, वो छन नहीं पाते, वो छन करके नीचे रह जाते हैं, और वही जब जम जाता है तो हम कहते हैं देखो कैसा अंधेरा छाया हुआ है, कैसा पॉल्यूशन छाया हुआ है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? मुझे कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट ऑब्वियसली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर इन विच वी ब्रेथ, जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एयर पॉल्यूटेंट्स डिक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डिटेरियरेट मटेरियल थ्रू कोरोजन, डिसकलरेशन, हजार्डस टू हेल्थ एंड लाइफ एंड एक्वाकल्चर। देखिए क्या है, ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए खराब कैसे हैं? ये हवा में कण हैं, विद्यमान हैं, जब बारिश होती है तो उन बारिश की बूंदों के साथ ये नीचे आ जाते हैं, और जब ये फसल पर पड़ते हैं तो उनकी पत्तियों को खराब करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि पौधों में उनकी जो पत्तियां होती हैं वही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, अगर वो पत्तियां खराब हो गई, वो पत्तियां ख़त्म हो गई, तो पौधों का भोजन नहीं बन पाएगा, जाहिर है फसल तो खराब होनी ही होनी है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के और इफेक्ट देखिए। इट थ्रीटन डिजास्टरस ग्लोबल डैमेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अभी आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर एंड एसिड रेन, ये एसिड रेन वही है जो मैंने आपको बताया। आपको भी यही पता होगा कि जब मौसम की पहली बारिश होती है तो भीगने का मन तो आपका करता है, लेकिन आपको बोला जाता है कि पहली बारिश पे मत भीगो, स्किन पे असर पड़ेगा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वही जो पार्टिकल ऊपर जमे होते हैं ये बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, मैं अभी आता हूं कि ओजोन लेयर के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है, इसी पे मैं आपको लाना चाहता था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब? भाई सीधी सी बात है कि अगर हम अपने किचन को ही ले लें, हम उसमें खड़े होकर खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर से जो गैस निकल रही है
अगर हमारे पास एग्जॉस्ट फैन ना हो, अगर हमारे पास किचन में चिमनी ना हो, तो आप देखते हैं किचन में ही काफ़ी गर्मी हो जाती। तो इस तरह से जब इंडस्ट्रीज का धुआं निकल रहा है, व्हीकल्स का धुआं निकल रहा है, तो आखिर कहाँ जा रहा है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है। और सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया के हर देश में ऐसा हो रहा है। तो जाहिर है हर देश अगर इस कार्बन एमिशन को निकाल रहा है तो उससे दुनिया का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि धरती का जो सामान्य तापमान है अगर वो 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होने लगती है, और आजकल तो हो भी रही है। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा गया है इम्तिहान में, पूछा गया है, जब पढ़िएगा इसको। व्हाट आर दीज ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जो गैस सिलेंडर में भी भरी होती है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे फ्रिज और एसी के कंप्रेसर में गैसेस होती हैं। दीज अकर नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर टू एब्जॉर्ब एंड होल्ड हीट फ्रॉम द सन। इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड एट अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस, विच इज सुटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का, जिससे ह्यूमन लाइफ आराम से चल सकती है। अब ये जो गैसेस निकलती हैं ये सूरज की रोशनी को कुछ हद तक तो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर है कि सूरज की रोशनी इनके साथ मिलकर के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है। इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं कि ये पहले तो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं तो धरती पर ग्रीनरी टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद इनकी वो क्षमता खत्म हो जाती है। देखिए कैसे होता है ये काम, देखिए कैसे होता है। जब सूरज की रोशनी आ रही है, इसको समझिएगा जरा सा, जब सूरज की रोशनी आ रही है तो समुंदर में पड़ रही है, समंदर से ये रिफ्लेक्ट होती है 10% के आसपास, 90% बच गई, 85-90% इज रिफ्लेक्टेड बाय स्नो, जो ग्लेशियर्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, हमारे आपके पास तक सिर्फ 5% के आसपास आता है और उसमें हमारी जिंदगी चल सकती है। अब जरा फर्ज कीजिए कि ये ग्लेशियर पिघल जाए, जो कि आजकल हो रहा है, तो इन ग्लेशियर्स के बर्फ के पहाड़ों से जो सूरज की रोशनी वापस आसमान में जाती है वो तो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले बहुत बढ़िया सा काला चश्मा पहनते हैं, ये वो कोई फिल्मी हीरो देखने के लिए नहीं पहनते, बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई पर जो बर्फ से टकरा करके सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होती है उसका तेज इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो आंखों में सीधे पड़ने लगे तो कुछ देर के बाद आदमी अपनी दृष्टि भी खो सकता है। इसलिए ग्लेशियर्स का बने रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारा टेम्परेचर बना रहे। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तो पिघल जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स हैव रिलीज सब्सटेंशियली मोर ग्रीन हाउस गैसेस इन टू द एटमोसफियर, पर्टिकुलरली बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड कोल। देखिए मैं यही कह रहा था आपको कि ग्रीन हाउस गैसेज एक लिमिट तक तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चला गया ग्रीन हाउस गैसेज पेट्रोलियम जलाने से, कोयला जलाने से, तो ये सूरज की रोशनी को साथ में मिल करके और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल और ह्यूमन एक्टिविटी पिछले 50 साल में पेट्रोलियम का, कोयले का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप किसी थर्मल पावर प्लांट के आसपास रहने वालों की कहानी पूछिए, वो कहेंगे भाई साहब यहाँ तो एसी भी काम नहीं करते। ये हाल है। आप देखिए यहां आपको आसमान साफ नहीं दिखाई देगा, इससे भी बुरा हाल है। ये क्या करेंगे आप? तो हुआ क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से इट हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ हीट एंड रेजिंग द टेम्परेचर अराउंड द ग्लोब। वही हुआ है ग्लोबल वार्मिंग है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आर नाउ 1% हायर देन इन 1900 एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 1.5% टू 4.5 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। आप देखिए जितना नॉर्मल टेम्परेचर, अगर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आदमी तो गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाएगा। और आप ये भी देखिए दुनिया में जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ठंडे देशों में हुए। अफ्रीका ने कभी कोई साइंटिफिक इनोवेशन नहीं किया, कम से कम मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में आदमी की प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है। ठंड के मौसम में तो आदमी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में एक हाथ से आदमी पसीना ही पोंछ रहा है, दूसरे हाथ से काम कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही कम हो जाएगी ना भाई। तो अब अगर ग्लोबल वार्मिंग चारों तरफ इतनी बढ़ेगी तो दुनिया में जीवन मुश्किल होगा। और देखिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे ये मत समझिएगा सिर्फ गर्मी बढ़ रही है। जितनी मात्रा में गर्मी बढ़ती है, ठंड का मौसम आता है, तो उतनी ही मात्रा में ठंड भी होती है। अब आप खुद ही देखिए कई जगहों पे खबरें आई हैं कि अभी अप्रैल के महीने में बारिश हुई है और कुछ जगहों पे हिमाचल वगैरह में तो बर्फ पड़ी है। कभी सुना था आपने अप्रैल के महीने में ऐसा होता है? आप सुनते हैं कि अमेरिका में या यूरोप में कई शहर तो बर्फ से जम गए, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में गर्मी तो आती ही आती है, जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड भी पहले के मुकाबले ज्यादा ही पड़ने लगती है। अब एक ग्लेशियर की मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है। 1928 में ये एक लेक थी, झील थी, जो पूरी तरह पानी से जम जाती थी। और उसी मौसम में 2004 में जब इसकी तस्वीर खींची गई तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ पिघली हुई है। यहाँ कोई आग जलाने नहीं गया, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। यही मैं कह रहा था कि सूरज की किरण अगर इस बर्फ पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर कहाँ तक जा पाएगी? क्योंकि बर्फ की रिफ्लेक्ट करने की क्षमता पानी की रिफ्लेक्ट करने की क्षमता से तो ज़्यादा ही होती है। अभी देखिए अमेरिका के शहरों में जरा बाढ़ का नज़ारा देखिए। कभी आप सोच सकते हैं कि पानी रेजिडेंशियल एरिया तक, समंदर का पानी है ये, समंदर का पानी रेजिडेंशियल एरिया तक आ सकता है? आप पढ़ रहे होंगे ना बड़ी बड़ी सुनामी आ रही है, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, शहरों को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर जब बढ़ रहा है तो वो जलस्तर किधर जाएगा? शहरों की तरफ ही आएगा। अब आता हूं ओजोन डिप्लीशन की तरफ। देखिए ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव छतरी की तरह काम करती है, लेकिन इंडस्ट्रियल गैसेस के एमिशन की वजह से इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। व्हाट इज दिस ओजोन लेयर? ए लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर स्ट्रेटो स्फेयर वर्क्स एज ए स्क्रीन विच प्रोटेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो सूरज की किरणें आती हैं इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। ओजोन लेयर एक छतरी की तरह से काम करती है और सूरज की इन किरणों को, जो अल्ट्रावायलेट रेज वाली होती है, इनको ऊपर ही रोक देती है और बाकी सूरज की किरणें जो ह्यूमन लाइफ के लिए ठीक है उनको नीचे आने देती है। अब आप समझिए यही छतरी टूट जाए तो क्या होगा? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है
ओजोन लेयर ने यहाँ पे इनको वापस कर दिया और नीचे अर्थ पे उन्हीं को आने दिया जो अर्थ के लिए लाभदायक हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर है इसका मतलब क्या है, जहां तक हम अपने बादलों को देख पाते हैं वहां तक तो कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उसके बाद शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर। तो यही ओजोन लेयर है जो एक तरह से चाय की छन्नी का काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है और बाकी रेज को नीचे आने देती है। अब ये कैसे काम कर रही है, सूरज की गर्मी यहाँ आई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ओजोन लेयर ने फिल्टर करने का काम किया। यही ओजोन लेयर की अब हालत क्या हो गई है, थोड़ा सा अब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब इसकी हालत क्या हो चुकी है। देखिए 1980 से ये चित्र खींचे जा रहे हैं और 2001 का ये चित्र है। पहले ओजोन लेयर में सिर्फ इतना नुकसान हुआ और 1980 से 2001 आते आते ओजोन लेयर में इतना बड़ा छेद हो गया। तो ये छेद कोई ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है, बल्कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कम होती जा रही, जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। पहले इतना मोटा था, अब इतना मोटा हो गया, कल को और कम हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट रे सूरज की तरफ से हानिकारक किरणें आती हैं वो और ज्यादा आने लगेंगी, ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा नुकसान होगा। आप देखिए ये कुछ लेबोरेटरीज के खींचे हुए चित्र हैं, आप देखिए ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कितना नुकसान हो रहा है। सितंबर 91 का ये था, सितंबर 1981 का ये है और सितंबर 1999 का ये है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, दिस ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसी गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, एसी की वजह से, फ्रिज की वजह से और कई ऐसी चीजों की वजह से जिसमें कंप्रेशर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो अगर ये सीएफसी गैसेस बढ़ती जाए तो 7 to 10 ईयर्स में ये स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएंगी, वहां जो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, और जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें जमीन पर आएंगी। इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इट इंक्रीजेस अल्ट्रावायलेट रेज एंड इट विल कॉज न्यू केसेस ऑफ स्किन कैंसर and destruction of 75% of the world's major crops that is sensitive to ultraviolet light. आप Ray-Ban का चश्मा खरीदते हैं तो क्यों कहता है कि सर इसमें UV protection है, वही मतलब है कि ultraviolet rays से आपकी आंखों को protect करेगा, ये बहुत बहुत मुश्किल है। ये जितनी gases हम produce कर रहे हैं ये उतनी वहां जा रही है, यहाँ पे जमी हुई है, बारिश के साथ ये फिर हमारे पास आती है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, हमारी नदियों को नुकसान पहुंचाती है, इसी को हम एसिड रेन अभी थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे। आगे जरा चलते हैं, पत्तियों की हालत देखिए जरा, ये लाइव फोटोग्राफ खींचा गया था, पानी की बूंदों का रंग सफेद नहीं पीला है, आपको मालूम है ना तेजाब का रंग पीला ही होता है, वही रंग है ये। इफेक्ट्स क्या है, मैंने कहा नदियों को अगर पॉल्यूट करेंगे तो क्या होगा, फिश पॉपुलेशन की कमी होगी, मेरीन लाइफ की कमी होगी, हमारी झीलें और हमारी नदियां प्रदूषित होंगी, और एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज करता है फॉरेस्ट को और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है वाइल्ड लाइफ को। ये सब देखिए, नेचर, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, मनुष्य और जानवर अलग अलग नहीं है, प्रकृति दोनों के लिए कॉमन है, अगर एक का नुकसान होगा तो दूसरे का भी नुकसान होना तय है। अब आगे आते हैं, एसिडिक रेन वाटर कैन ऑल्सो कैरी टॉक्सिक मेटल फ्रॉम सॉयल
and carry these into waterways where they contaminate the drinking water. And acid rain can corrode and damage buildings, statues and other objects, particularly those made of iron, limestone and marble. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका कि एसिड रेन मूर्तियों को कैसे प्रभावित करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रभावित करती है, संगमरमर की मूर्तियों को कैसे प्रभावित करती है। आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, बल्कि ताजमहल में ऐसा मार्बल लगा हुआ है जो शायद ही दुनिया की किसी इमारत में लगा हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसने कि ताजमहल को पॉल्यूशन से बचाने के लिए आगरा में काम करने वाली जो चमड़े की फैक्ट्रियां थी उनको बंद करने का आदेश दिया गया था। ये मूर्तियों की हालत देखिए, ये सिर्फ पानी की वजह से इनका डीके हुआ है, खराब पानी डाला गया है। अब आते वाटर पॉल्यूशन की तरफ, व्हाट इज दिस वाटर पॉल्यूशन, अब इसकी भी डेफिनेशन में देखनी पड़ेगी। वाटर पॉल्यूशन अनडिजायरेबल अनइंटेंडेड कंटामिनेशन ऑफ अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स इनटू रिवर्स थ्रू आउटलेट्स, पाइप आउटलेट्स। और इन्होंने क्या किया है, Oceans have been used as disposal site for intermediate and low level radioactive waste. Oceanographers, जो समुद्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पाया है कि समुद्र में प्लूटोनियम जैसे खतरनाक रेडियोएक्टिव मटेरियल मौजूद है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास मोबाइल फोन है, कैमरा है, बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती है। हम मोबाइल फोन को कबाड़ी को दे देते हैं, कबाड़ी उसको तोड़ करके जो काम की चीजें निकाल लेता है बाकी चीजों को फेंक देता है, इसको हम कहते हैं ई वेस्ट। दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है ई वेस्ट की। आप जानते हैं, आपकी चिप के ऊपर जिस मटेरियल से एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग कहते हैं, वाइट कलर का वो होता है जिससे मटेरियल जोड़ा जाता है, पारा, ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये धीरे धीरे घिसता है और ये रेडियो एक्टिव होता है, आपके अंदर पहुंच जाए तो मौत भी हो सकती है। हम कहते हैं कि वाटर इज एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, बट पर कैपिटा सप्लाई ऑफ पोटेबल वाटर आर श्रिंकिंग, आर नाउ 30% स्मॉलर देन 25 ईयर्स एगो। इसका तो डेली एग्जांपल हम आप अपनी लाइफ में देख ही रहे हैं। एमसीडी का पानी, सरकारी पानी लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद बोतल बंद पानी लेते हैं, हम खुद घर में आरओ लगा के रखते हैं, हम खुद पानी का कैन खरीदते हैं 40 लीटर का 50 लीटर का, ये सोच करके पानी शुद्ध नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आप देखिए, शुद्ध पानी का जो सोर्स है वही खराब है। पहले आदमी किसी भी नदी का पानी, किसी भी कुएं का पानी पी लेता था, अब नदी का पानी पीने लायक तो क्या, नहाने लायक भी नहीं बचा। तो जो वाटर रिसोर्सेस थे वो अब 30% रह गए हैं। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर। To meet these demands, water is being increasingly diverted from agricultural irrigation to provide water for cities. अब देख रहे हैं आप, सिंचाई के लिए पानी कम और शहरों को पीने के लिए पानी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि जब सिंचाई के लिए पानी कम आएगा, शहरों को पीने के लिए पानी ज्यादा जाएगा, तो फसलों की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगला लेक्चर मैं यहीं से शुरू करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।